दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप HTML का प्रोग्राम बनाते हैं, अगर आप उसको मोबाइल पे भी बनाकर रन करना चाहते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे कि आपको किस ऐप से यानी किस एडिटर से आप इजी तरीके से HTML का प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा एडिटर है और किस तरीके से इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जाना है मोबाइल के प्ले स्टोर में। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास मोबाइल में प्ले स्टोर है, इसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद सर्च में आपको डालना है SPCK। आप जैसे यहाँ पे SPCK डालेंगे आपको एक पहला लिंक आ जाएगा SPCK कोड एडिटर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यही लोगो दिखेगा। उसके बाद अगर आपका इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आएगा। अगर आपका इंस्टॉल नहीं है तो अपडेट की जगह पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है कि आ जाना है बैक। आप जैसे बैक आएंगे आपके जो होम स्क्रीन है, आपका होम स्क्रीन पे ऐप आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगो इसका, यहाँ पे इसको ओपन कर देना है। आप जैसे यहाँ पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि क्लोज पे क्लिक कर देना है। और क्लोज पे क्लिक करने के बाद देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इसको हम डेटा को पहले ऑफ कर देते हैं। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, उसके बाद इन सब में आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये बहुत एडवांस की चीज़ें यहाँ पे दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट पे आना है और यहाँ 3 डॉट पे आने के बाद आपको वर्क स्पेस पे जाना है। वर्क स्पेस पे जाने के बाद आपको फिर से बैक आना है और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया है क्रिएट, क्रिएट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे फाइल आपसे पूछेगा कि आप किस वेब पेज का बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे JS यानी JavaScript, HTML और यहाँ पे TypeScript बहुत सारे यहाँ पे दिए हैं। अगर आप जो भी बनाना चाहते हैं यहाँ से आप बना सकते हैं। तो हमें HTML का बनाना है तो हमें HTML वाले पे क्लिक कर देना है। आप जैसे HTML पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, यानी आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम होगा। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डाल देते हैं इंडेक्स, यानी इंडेक्स एक नॉर्मल प्रोजेक्टर नेम होता है, आपको इंडेक्स डालना है। उसके बाद .html टाइप करना है, उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पास कुछ पहले से कोड आ जाएंगे। आपको क्या करना है कि अगर इसको आप देखना चाहते हैं कि क्या लिखा है तो आप यहाँ पे देखिए प्ले का एक ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो मैसेज लिखा रहेगा आ जाएगा। तो हम बैक आते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से प्रोग्राम लिखना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें प्रोग्राम अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे जैसे हम पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हम दूसरा नाम लिख देते हैं। आपको इस तरीके से बैक जाना है और इसमें जो भी आप नाम लिखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। उसके बाद आपको बस प्ले पे क्लिक कर देना है तो यहाँ पे देख सकते हैं शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ गया है। फिर से बैक आते हैं, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए पी के अंदर जाइए, यानी पैराग्राफ टैग, इसमें आप डालिए स्टाइल। यहाँ पे आप टाइप करिए स्टाइल। आप जैसे स्टाइल टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टाइल का टैग ओपन हो जाएगा। इसके अंदर आपको जो भी कलर चेंज करना है कर सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं या बैकग्राउंड का तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे बैकग्राउंड का करना है तो आप लिखिए बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे लिखिए कलर। देखिए बैकग्राउंड कलर हमने लिखा, कौन सा कलर में लेना चाहते हैं, जैसे हम कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक। देखिए आप बी लिखिए, उसके बाद यहाँ पे ब्लैक आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलर लगाइए, उसके बाद आप जैसे रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका ब्लैक आ गया है। देखिए यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट है वो भी ब्लैक है। तो इस सिचुएशन में हमें कलर भी चेंज करना होगा। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक टैग और चलाना होगा, यानी टैग चलाने के लिए आपको क्या करना है कि इसके आगे आपको बस लिखना है कलर, यानी कलर जो हमारा टैग होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर, जैसे व्हाइट हमें लेना है तो लिखिए आप व्हाइट, व्हाइट लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आप जो भी मतलब यहाँ पे आपको क्लोज करना है सेमी कॉलन से। उसके बाद आप जैसे सेव करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे तो देखिए यहाँ पे शिवम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट व्हाइट में आ गया। अगर रेड में करना चाहते हैं तो यहाँ पे व्हाइट की जगह आप यहाँ पे बस रेड लिख दीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ पे जैसे हम आपको दिखा देते हैं रेड लिख कर, यहाँ पे हम क्या करते हैं रेड लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम रेड, देखिए हमने रेड लिखा। उसके बाद हम जैसे रन करेंगे
तो यहाँ पे आपका रेड में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, HTML का प्रोग्राम अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं मोबाइल में। और ये एडिटर बहुत ही अच्छा है, आप जरूर इंस्टॉल करिएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगेगी इस वीडियो में तो आप नीचे कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। अगर इसका लिंक आप लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।